मेरे भाई और बहन, अगर आप लोगों को जीवन में सफल होना है तो दो सूत्र जान लो जिससे लोग सफल होते हैं, तो वही मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कहानी के तौर पर। मेरे भाई, अगर आप लोग दो सूत्र को जान जाएंगे तो सफलता आपके हाथ में होगी। चलिए मेरे भाई, उन्हीं कहानी को हम शुरू करते हैं और कहानी के तौर पर उन सूत्रों को बताते हैं। सबसे पहले मैं कहानी बताऊँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, एक गांव में एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी रहता था। वो दोस्तों एक दूसरे से मिलकर चलते थे, लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ कि वो जो गरीब व्यक्ति था वो बड़े आदमी से जलने लगा। उसके अंदर जलन सी पैदा हो गई। वो कहने लगा, उसके मन में कई तरह तरह के सवाल चलते रहते थे कि आखिर ये कितना अमीर कैसे हो गया है, उसको हर समय जलन ही छूटती रहती है। तो सबसे पहले मैं भाई आपसे यही कहूँगा कि आपको अगर मेरे भाई अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको किसी से जलना नहीं, क्योंकि आप लोग जलते हो किसी से तो अपना दिमाग ख़राब कर लेते हो, अपना काम सही से नहीं कर पाते, यानी कि जिस भी लाइन में आप लोग सफल होना चाहते हो उस लाइन में आप लोग अच्छा काम नहीं कर पाते हो, इसीलिए आप लोग जलने के कारण अपना भी काम खराब कर लेते हो। सबसे बड़ी बात यही है। अब आती है सूत्र की बारी। वो दो सूत्र कौन से हैं जिनको आप लोग सुन लोगे तो सफलता आपके हाथ में होगी। चलिए उन्हीं सूत्रों को आपको बता देते हैं। सबसे पहले मेरे भाई, दिल से मेरी बातों को सुन लीजिएगा। सबसे पहले नंबर पर आता है सूत्र, आप जो भी काम करिए करते ही जाइए, आप हार मत मानिए मेरे भाई। आप ये बात ठान लीजिए कि हमें जब तक एक काम करना है जब तक मैं सफल ना हो जाऊं। पहला सूत्र ये हो गया। और दूसरा सूत्र सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, दिल से इस बात को मेरी समझ लेना। दूसरा सूत्र, आपको अपने काम के प्रति विश्वास, आत्मविश्वास होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। जब आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा तो आप लोग जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, इन दो सूत्रों को अपने दिमाग में, दिलों में डालकर रखिए हमेशा के लिए, ताकि सफलता आपके करीब आ जाए, आपके कदमों को चूम ले। तो आई होप आप लोगों को पता ही चल गया होगा मेरे भाई। अगर आप लोग ऐसी मोटिवेशन दर्द भरी कहानियाँ सुनना चाहते हैं और आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना।